निर्माण विचार की बीमारी जो है उसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस पहले डाले हुए हैं। अभी एक जो स्पेशली एक ओसीडी जो है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो धर्म के बारे में है या भगवान के बारे में है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, बॉम्बे, वहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। ऑब्सेशंस जो है ना, वो बार 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 विचार आते हैं और वो ऑब्सेशंस है। उसके ऊपर कभी कंपल्शन भी होता है, मतलब बार बार उसके ऊपर फिर कृति करनी पड़ती है। अभी एक पेशेंट मेरे पास में आया, तो उसको बार 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 भगवान के बारे में विचार आते हैं कि भगवान के जो फोटो है घर में, या भगवान की मूर्तियाँ घर में हैं, या भगवान का मतलब एक मकान, मतलब अलग से ऐसी एक जगह भगवान की रूम बनाई हुई है, तो उसको बार बार विचार आते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और उसके ऊपर पेशाब कर डालूँ। उसको मालूम है कि ये विचार है, ये वो अभी तक उसने कभी किया नहीं है, और ये विचार बार बार क्या आ रहे हैं, उसको मालूम है कि गलत है, ऐसा कैसा हो सकता है। उसको गिल्ट फीलिंग भी होता है कि भगवान के बारे में मैं ऐसा कैसा सोच सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि विचार आ रहा है, मैं करूँ क्या। फिर वो विचार इतने बार 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 आते कि भाई भगवान के साथ में सेक्स करूँ, है ना, मतलब देवी का फोटो है या देवी की मूर्ति है तो भाई सेक्स करूँ, और ऐसे विचार आते रहते। और फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गंदे विचार है, ये गलत विचार है, मैंने ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। और फिर वो उसको खुद को ऐसा मतलब कोसता है, खुद को डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ऐसा कुछ दिन तक चला, और बाद में फिर उसने एक उसमें से एक निकाला रास्ता, वो ये कि समझो विचार आ गया तो स्नान कर लो, यानी विचार निकल जाएगा। तो फिर हुआ क्या, विचार आ गया क्या हो जाता स्नान करने के लिए, तो वो एक विचार बोलता है कि ऐसा गलत विचार है तो ये विचार नहीं आना चाहिए, करके स्नान करना है। फिर जाता वो स्नान कर लेता, स्नान कर लिया, उसको चलो अभी ये विचार निकल गए। फिर थोड़ी देर के बाद में विचार आएंगे, फिर उसको लगेगा अभी मैंने स्नान करना चाहिए, फिर वो स्नान कर लेता है, क्योंकि ऐसा तो करने वाला है नहीं, भगवान की मूर्ति के ऊपर पेशाब करने वाला नहीं है, विचार तो आ रहा है, फिर जाके स्नान कर लेगा। फिर एक बार स्नान किया तो बोले जमता नहीं, फिर अभी दो बार स्नान करेगा तो अच्छा हो जाएगा। अभी उसको ये लाया कि एक एक ड्रम ड्रम पूरा भर के पानी, अभी पानी की मतलब इतनी कमतरता है, कमी है पानी की, ये पूरा एक एक ड्रम खाली करता है, एक एक साबुन की पूरी बड़ी जो है, मतलब पूरा जो आता है ना एक एक साबुन, वो पूरा ख़त्म कर देता है, घस घस के खुद को, पूरे बदन के ऊपर सफ़ेद हो चुका है, मतलब बार बार घस के, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा स्नान करते रहता है। और उसको मन में आता है कि मैं इतना स्नान करूँ ताकि वो विचार नहीं आएंगे, वो टेम्पररी विचार निकल जाते हैं, फिर बाहर आता है, फिर कुछ तो भी कभी तो विचार चालू हो जाते हैं, और फिर वो ऑब्सेशन, फिर से वो विचार आता है, और वो कंपल्शन वो करेगा कि स्नान कर लेगा। अभी वो 6 साल से चालू है, 6 साल से उसको विचार आ रहे, उसने सब तरह की दवाइयाँ सब कर लिया और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। इसमें होता क्या है कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक करने के लिए टाइम लगता है। 1000 में 1000 पॉपुलेशन यदि है तो 1000 पॉपुलेशन में कम से कम 6 से 10 लोगों को ये बीमारी है, और इसका परमानेंट इलाज कि भाई चलो बीमारी हो गई इसका ये इलाज कर ले, ऐसा नहीं है। उसको दवाइयाँ हैं, SSRI करके जो दवाई आती है, SSRI करके जो ग्रुप है दवाइयों का, वो हम उसके ऊपर उसका इलाज करते हैं। क्लोमिप्रेमिन नाम का जो ग्रुप है उसका इलाज हम करते हैं, दवाई से कुछ हद तक ठीक लगता है उसको, क्योंकि ऐसा भी रिसर्च में ऐसा बोला जाता है कि भाई सेरोटोनिन लेवल्स जो है दिमाग में जो केमिकल्स है, तो सेरोटोनिन लेवल कम होने से ऐसी बीमारी आती है, ऐसा बोलते हैं, पक्का नहीं। तो दवाई देने से कुछ ना कुछ ठीक होता है, मगर बाकी उसके साथ में REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर साइकोथेरेपी, या फिर हिप्नोटिक सजेशंस, ऐसे अलग अलग तरह से स्टॉप थॉट टेक्निक है, वो स्टॉप थॉट उसको कैसे मतलब स्टॉप कैसे करना थॉट्स, उसके कोई टेक्निक हम उसको सिखाते हैं। और उसको ये भी सिखाते हैं कि भाई ये विचार है, ये आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वो विचार करते जा रहा है, वो आप नहीं हो, आप विचार ला भी नहीं रहे हो तो आप कैसे बंद करेंगे, आपने वो खुद ने विचार लाया नहीं, ऑटोमेटिक आ रहा है तो आप कैसे बंद करेंगे। ऐसा उसको काउंसिलिंग में भी उसको बताते हैं। धीरे धीरे पेशेंट अच्छा होने लगता है, मगर उसमें दवाई बंद करने से काम चलता नहीं है, दवाई बंद करने से फिर से बीमारी चालू हो जाती है। अभी ठीक करना तो कठिन है, कठिन इसलिए है कि 100 पेशेंट यदि आते हैं
तो उसमें से सभी पेशेंट को, मतलब 100 के 100 लोगों को 60 से 70% फायदा होता है। 100% फायदा होने के लिए जल्दी आना पड़ता है, मतलब जल्दी हमारे पास में यदि आ गए कि जल्दी महीना 2 महीने 4 महीने में जल्दी आ गए तो जल्दी अच्छा हो जाता है। तो वो जल्दी लोग आते नहीं है, लोग बोलते नहीं तू मन की बात कर रहा है, फालतू सोच रहा है, ऐसा सोचो मत, ऐसा कुछ तो भी करके टाइम पास होता है, साल 2 साल के बाद में हमारे पास में आते तो बीमारी पूरा नहीं हो जाती। मेरा वीडियो देने का वही उद्देश्य है कि ऐसे कोई रिलीजियस थॉट्स आपको आते हैं, भगवान के प्रति बुरे बुरे विचार आते हैं, या भगवान के बारे में कोई बुरे विचार आते हैं, सेक्स करने के विचार आते हैं, तो फिर जरूर ऐसा कोई आपसे बात करता है कॉन्फिडेंस में आके, तो उसका इलाज जल्दी चालू करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोग ये बोलते नहीं बाहर, जब ये शेयर नहीं करते हैं तो आपके ग्रुप में जहाँ वहाँ आप शेयर करेंगे ना, तो लोग खुद का इलाज कहाँ करना है खुद ढूंढेंगे, क्योंकि मालूम पड़ेगा ये बीमारी है। हमारा मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इलाज करेंगे, खुद होके डॉक्टर के पास में जाएंगे, उसका इलाज करके अच्छा जीवन वो बिताएंगे। आप जरूर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है ना उसको हिट करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आपको आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।